कैसे हो दोस्तों, मैं हूं एक्सपर्ट। आप देख रहे हैं सेल्फ यूनिक। कैसी वीडियो, थोड़ा अलग तरीके का है। अलग तरीके से क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाला हूं कि बीम के अंदर या फिर स्ट्रक्चर्स के अंदर कैरियर कैसे बना सकते हैं। या फिर मैं कहूं कि किसी भी इंडस्ट्री में अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं कि किसी भी इंडस्ट्री के अंदर अगर हमको कैरियर बनाना है तो किस तरह से बना सकते हैं, तो शायद आपका आंसर यही होगा कि सबसे पहले हमको ये पता चल जाए कि पढ़ना क्या क्या पड़ता है उस इंडस्ट्री के लिए, क्या पढ़ना पड़ता है। दूसरा क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए कि सक्सेस होना है अगर उस इंडस्ट्री के अंदर तो कैसे पढ़ना है। चलिए, आपने दो क्वेश्चन क्लियर कर लिया। तीसरा, कैसे अप्लाई करना है। इन तीन के अलावा कुछ और आवश्यकता होती है क्या? नहीं। ठीक है, इस वीडियो को अगर ध्यान से आपने देखा तो आज के दिन आप ऐसा कुछ डिसीजन इस नवरात्र में ले सकते हो कि आप अपना कैरियर अच्छे तरीके से बीम में या फिर स्ट्रक्चर्स में एक ऑफिशियल जॉब में देख सकते हो। एक अच्छी कंफर्ट लाइफ व्हाइट कॉलर जॉब अगर लेनी है तो इस वीडियो में 10 मिनट अपना देना, तो मैं आपको समझाने जा रहा हूं किस तरह से कैरियर बना सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको यह बताऊंगा कि पढ़ना क्या क्या है। स्ट्रक्चर्स का कैरियर, स्ट्रक्चर्स में कैरियर बनाना है तो क्या पढ़ना पड़ेगा, बी में कैरियर बनाना है तो क्या पढ़ना पड़ेगा। आपको बता दूं कि मेरा लगभग 6 साल का एक्सपीरियंस है, तो इसलिए मेरे पास निचोड़ है। निचोड़ इन द सेंस समझते हो, वो की है, वो पॉइंट्स हैं जिसके बाहर से इंटरव्यूअर को पूछने में बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब तक में जितने भी लोगों ने इंटरव्यू दिया, बहुत से लोगों का एक्सपीरियंस मेरे पास है। ठीक है, यहां पर कोई अपनी बढ़ाई करने का प्लेटफॉर्म नहीं है, जस्ट आपको बता रहा हूं कि जो टॉपिक्स मैं बता दे रहा हूं इसके बाहर से कोई भी इंटरव्यूअर नहीं पूछेगा। अब बोलोगे चलो सर आपकी बात मान लेते हैं, ये तो बहुत अच्छी चीज हो गई। दूसरी चीज सर, इस चीज को पढ़े कैसे, वो भी मैं आपको बताने चल रहा हूं किस तरह से पढ़ सकते हो। तीसरी चीज सर, मैंने आपने बताया टॉपिक, मैंने पढ़ लिया, तैयार कर लिया, अब सर अप्लाई कैसे करें। तो भाई मैं आपको डेली इवनिंग में 7 PM पर जॉब्स गाइड पर रेगुलर वीडियो दे रहा हूं, रेगुलर बता रहा हूं कि ऐसे ऐसे करो, यहां यहां अप्लाई करो। अब प्रॉब्लम क्या है, मतलब एज अ गाइड मैं और क्या कर सकता हूं। मैं तुम्हें यह भी बता दिया कि क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है ये भी बता रहा हूं, कैसे अप्लाई करना है, कहां अप्लाई करना है, सारी चीज तो बता रहा हूं। तो इन तीनों चीजों को आज समझते हैं, कहां पर क्या क्या पढ़ना चाहिए। चलिए, और साथ ही साथ मैं आपसे ये जरूर चाहूंगा कि आप अपना नीचे फीडबैक वीडियो देना कि हाँ सर अगर हम ऐसा करते तो डेफिनेटली हमारे लिए यूजफुल होगा। और आप भी बताना कि आपके इंटरव्यू में क्या इससे कुछ बाहर पूछा गया था। आई डोंट थिंक इसके बाहर से कुछ पूछा जाएगा, 99% चांस यही है। चलिए स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले बात करते हैं कि स्ट्रक्चर्स के अंदर सर क्या क्या पढ़ना चाहिए, कैसे स्ट्रक्चर्स के अंदर जॉब लग सकती है। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, मैंने आपके लिए पूरा कंप्लीट मटेरियल तैयार कर दिया है। ठीक है, इसके बाहर से कोई पूछ नहीं सकता, शायद यहां पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि आप सबको पता है कि आज के टाइम में लोगों का जो अटेंशन स्पैन है बहुत लो हो चुका है। लेकिन जो टॉपिक्स मैं दे रहा हूं इसकी पूरी लिस्ट आपको अपने यहां पर जो टेलीग्राम का अपना चैनल है, ये जॉब्स गाइड का सॉरी इसका यूनिक सिविल का जो टेलीग्राम चैनल है, यहां पर आपको कंप्लीट मिल जाएगा कि कहां कहां पर क्या क्या पढ़ना चाहिए। देखो यहां पर टॉपिक्स का मैंने वीडियो PDF डाल भी दिया है कि आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए, और प्लस यहां पर डेली भी आता है कि कौन कौन सी ओपनिंग्स कहां कहां चल रही है, तो काफी यूजफुल है। आप पहले तो यूनिक सिविल का जो टेलीग्राम चैनल है उसको आपका मन करे तो उसको सब्सक्राइब करना, मन ना करे तो कोई ऐसा फोर्स नहीं है। चलो अब चलते हैं कि भाई क्या क्या पढ़ना पड़ेगा हमको स्ट्रक्चर्स में। तो भाई स्ट्रक्चर्स में आपको ऑटोकैड अच्छे से आना चाहिए, सिंपल प्लानिंग सेक्शन एलिवेशन बनाना आना चाहिए, वर्किंग ड्राइंग समेशन ड्राइंग स्ट्रक्चरल डिटेलिंग स्टेरा, इस तरह से पूरा लिस्ट है। अब ये लिस्ट आपको घर पे बैठ के पढ़ना पड़ेगा कि क्या क्या स्लैब टाइप्स, फुटिंग टाइप्स, कॉलम बीम का आपको पोजीशंस और साइजेस उसके क्या होने चाहिए, चेकलिस्ट पता होना चाहिए कि क्या क्या चेक करना चाहिए प्लान में सेक्शन में एलिवेशन में, बिल्डिंग बाय लॉस पता होना चाहिए, सीयर फोर्स पता होना चाहिए, बेंडिंग मोमेंट पता होना चाहिए, और सारे IS कोड के नाम पता होना चाहिए, उनके काम पता होना चाहिए, थंब रूल्स पता होना चाहिए, और उसके बाद डिफ्लेक्शन के बारे में पता होना चाहिए, रेनफोर्समेंट डिटेलिंग्स पता होना चाहिए, डक्टाइल डिटेलिंग्स। मैंने अपने 5 साल का निचोड़ इसके अंदर लिख रखा है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आप सोच रहे हो सर इसको कैसे मिलेगा, तो टेलीग्राम पे मैं डाल दे रहा हूँ, वहां से आप देख सकते हो। डायनेमिक में आपसे क्या पूछेंगे, रिस्पॉन्स पूछेंगे, स्पीड डेल्टा एनालिसिस पूछेंगे, टाइम हिस्ट्री एनालिसिस पूछेंगे, पुश ओवर एनालिसिस पूछेंगे, डायनेमिक के कई ढेर सारे कॉन्सेप्ट है उनके बारे में पूछेंगे, स्ट्रक्चर्स की ड्रॉइंग को कैसे सबमिट करना है ये आपको आना चाहिए, बेसिक ETABs पता होना चाहिए, फाइल फॉर्मेट इंपोर्ट कैसे करेंगे, एक्सपोर्ट कैसे करेंगे, सेंटर लाइन कैसे निकालेंगे, मैनुअल डिजाइन बीम फुटिंग का स्लैब का कैसे करेंगे, स्टेयर केस का कैसे करेंगे, बैफल स्लैब क्या होता है उसको कैसे डिजाइन करेंगे। थोड़ा स्पीड में इसलिए बता रहा हूँ जिससे जल्दी जल्दी कवर हो सके। जो जनरल डिफिनीशंस हैं उनके बारे में पूछा जाएगा, बीम कॉलम फुटिंग स्लैब इनके डिफिनीशंस के बारे में, प्रीकास्ट के बारे में, हाई राइज स्ट्रक्चर्स के बारे में, ये सब पूछा जाएगा। इतना अगर आपने पढ़ लिया, इसके अलावा कुछ और है यहाँ पर टॉपिक्स
लाइक ऑटोकैड में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एचआर क्वेश्चंस कुछ पूछे जाएंगे, उसके बाद ऑल स्ट्रक्चर्स प्रोफाइल, कौन कौन से प्रोफाइल्स होते हैं, स्टील के कौन कौन से ग्रेड्स होते हैं, और उसके साथ किसकी कितनी डेंसिटी होती है, मिक्स प्रोपोर्शन कितना होता है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितने होते हैं, लगभग ये 120 टॉपिक्स के आसपास है, 120 टॉपिक्स हैं। अगर इनको आपने पढ़ लिया तो बिलीव करो, या फिर आज के आज ही आप देख लेना कि सर ने सही बोला कि नहीं, कहीं पर भी इसके बाहर से कोई क्वेश्चंस नहीं पूछ पाएगा 110%। तो आप बोलोगे सर इसको कैसे पढ़ सकते हैं, डेफिनेटली अगर आपके पास नॉलेज है तो आप इसको आराम से यूट्यूब से भी आराम से एक एक करके टॉपिक पढ़ा तो आपका क्लियर हो जाएगा। लेकिन आप चाहते हो सर एक पूरा सेट मिल जाए मुझे, तो फिर मैंने बहुत ही कम कॉस्ट में आपको यहाँ पर ऑल इन वन जो अपना दे रखा है, सबका फेवरेट कोर्स है, तो ऑल इन वन के अंदर ये सब कुछ इंक्लूड कर दिया है जितनी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया। इसके बाहर से पूछना मतलब बहुत कम चांस हो जाएगा, और आज के टाइम में भी तो नवरात्रि चल रहा है, दो दिन और है, तो नवरात्रि में क्या हो रहा है, ये 3000 रुपीज़ कितना कम का, मतलब 3000 में लाइफ टाइम के लिए मिल रहा है, ये भी बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो इतने कम कॉस्ट में आपको मिल जाएगा, पढ़ लो यार, आप क्या दिक्कत है, या फिर आप YouTube से भी सर्च करके पढ़ लो, आपको बस पढ़ने से मतलब है। अब बात कर लेता हूँ BIM में, तो भाई BIM में ये जो टॉपिक्स हैं मैंने दे रखे हैं, ठीक है, LODs है, 2D, 3D, 4D, 5D है, ठीक है, और BIM 360 है, स्कैन टू बीम है, पॉइंट क्लाउड है, स्मार्ट बिल्डिंग है, बेसिक रेव स्ट्रक्चर्स, ग्रिड कैसे बनाएंगे, 3D स्ट्रक्चर डिटेलिंग्स कैसे करेंगे, फुटिंग डिटेलिंग्स कैसे करेंगे, वर्कशीट कैसे बनाएंगे, यहीं से सारे के सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इसके बाहर से कोई क्वेश्चंस नहीं पूछ पाएगा 100%। डिफरेंट स्टील में बस कौन कौन से हैं, टिकला में क्या क्या हमको आना चाहिए, कनेक्शंस कैसे कैसे देते हैं, सॉफ्ट ड्राइंग क्या होता है, इरेक्शन ड्राइंग क्या होता है, फैब्रिकेशन ड्राइंग क्या होता है, लगभग 65 पॉइंट्स है जहां से बीम में क्वेश्चंस बनते हैं। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी हैं जैसे कि HR क्वेश्चंस, BIM के कौन कौन सी प्रोफाइल्स होती है, BIM की हिस्ट्री, डायनमो क्या होती है, रिकैप क्या होता है, एस्टिमेशन कैसे करते हैं, और उसके साथ एडवांस कंक्रीट मटेरियल कौन कौन से, जैसे कि लिट्रोकॉन है, ये क्या है, और कौन से एडवांस मटेरियल सभी इंडस्ट्री के अंदर है, फ्यूचर क्या है BIM का, लिंक्डइन पर कैसे प्रोफाइल बनाओगे, इतनी चीजें अगर आपने देख लिया, लगभग 80 चीजें हैं अप्रॉक्स, अगर इतनी चीजें आपने देख लिया, पैरामेट्रिक फैमिली क्या होती है, नॉन पैरामेट्रिक फैमिली क्या होती है, प्रोजेक्ट शेयर्ड क्या होता है, फैमिली ग्लोबल क्या होता है, और टेलीफोनिक इंटरव्यू की थोड़ी सी प्रिपरेशन कर लिया, बिलीव करिए BIM के लिए दैट इज सफिशियंट। ये तो रहा कि पढ़ना क्या क्या है, फिर से बोलूंगा आप इसको भी यूट्यूब से एक एक करके पढ़ सकते हो, लेकिन आपको चाहिए कि नहीं सर मुझे एक पूरा सेट मिल जाए, तो इसके लिए भी हमने सेट बना रखा है, लगभग सबको पता भी है कि BIM के जो सेट है वो पूरा का पूरा इसके अंदर सेट ही है, कुछ पढ़ना ही नहीं, 200 घंटे पूरा है, एक तरफ से बैठो एक तरफ तक खत्म कर दो, आपकी जॉब के लिए जो जो चाहिए सब कुछ डाल दिया इसके अंदर, और इसका कॉस्ट भी कितना है, 3000 रुपीज़ का मिनिमम कॉस्ट है। अब भी नहीं पढ़ सकते तो फिर मतलब कि ये तो वही हो गया कि आलस हो रहा है। तो देखो मैंने दो चीज़ बता दिया, एक चीज़ क्या बता दिया, एक चीज़ बता दिया कि पढ़ना क्या है, दूसरा मैंने बता दिया कि पढ़ना कैसे है, दो काम हो गया। तीसरी चीज़, अगर आप सच में सीरियस हो अपने करियर को लेकर, थोड़ी बड़ी पारी खेलना चाहते हो, तो एवरी डे इवनिंग में 7 बजे मैं जॉब्स गाइड चैनल पे ओपनिंग्स बताता हूँ, बीम में कहाँ पर ओपनिंग्स है, स्ट्रक्चर्स में कहाँ पर ओपनिंग्स है, आपको क्या चाहता है, ठीक है, डेली 7 बजे 10 मिनट लगता है, वीडियो देखो कहाँ कहाँ ओपनिंग है, सर लिंक तो देते ही है, कहाँ लिंक देता हूँ, ये जो अपना टेलीग्राम चैनल है यूनिक सिविल का, वहाँ पर लिंक आ जाता है, जॉब्स गाइड के भी टेलीग्राम ग्रुप में आ जाता है, जस्ट अप्लाई करो, अप्लाई करके डेली बेसिस पर अप्लाई करते रहो। आप सोचो कि डेली में आज कितनी ओपनिंग्स मैंने बताया, 12 ओपनिंग्स बताई हुई है बीम की, 12 ओपनिंग्स, कल कितनी बताई थी, कल लगभग 15 ओपनिंग्स बताई थी, अगर 5 ओपनिंग्स पर डेली अगर अप्लाई करना स्टार्ट कर दो, महीने में आपने 150 कंपनियों में अप्लाई कर दिया, अब आपकी CV या फिर आपके अंदर इतनी भी काबिलियत नहीं है कि 15 जगह पर आप शॉर्टलिस्ट ना हो जाए, आराम से हो जाएगा, 15 जगह पर शॉर्टलिस्ट होता है तो उसमें से कम 2-3 जगह तो आपका परफॉर्मेंस अच्छा तो होगा ही, और डेफिनेटली आपका जॉब का चांसेस बढ़ जाएंगे। तो देखो यार, एक तरीके से मैं एज अ गाइड, मैं एज अ मेंटर, आप लोग मुझे काफ़ी प्यार करते हो, ठीक है, गुरुकुल की जो लाइव बैचेस हैं, ठीक है, उसमें लिमिटेड लोगों को रख पाता हूँ, इसलिए सबको वहाँ पर रखना पॉसिबल नहीं है, तो जो गुरुकुल का डाटा है वो सब मैं आपको शेयर कर दिया कि हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं गुरुकुल में, वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट अपने टेलीग्राम ग्रुप पर दे रहा हूँ कि क्या क्या पढ़ना है, पढ़ लो। उसके अलावा वीडियो कोर्स के माध्यम से आप आराम से बहुत कम कॉस्ट में अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो। करना क्या है, जाके आज से स्टार्ट करो, थोड़ा माइंड को, थॉट को रखो, आपके लिए गाइड करने के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ, ठीक है, कभी मैंने मना तो किया नहीं है, तो गाइड के लिए एज अ गाइड मैं तैयार हूँ, ओपनिंग्स मैं बता रहा हूँ, पढ़ना कैसे है मैं बता रहा हूँ, अब पढ़ोगे तो तुम ना, ठीक है, अब इतना तो तुम्हें करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, ये मत रो कि मेरी जॉब कैसी है, हेडिक बड़ी जॉब है, साइट पर पूरा रात दिन एक हो जाता है, तो मेहनत करो ना यार, ठीक है, बहुत से ऐसे बच्चे, एक मेरा स्टूडेंट है अर्जुन श्रीवास्तव करके, रात को 11 बजे साइट से वापस आता है, कभी 10 बजे वापस आता है, आके रात में क्लास लेता है, और क्लास लेके फिर सुबह असाइनमेंट्स कंप्लीट करता है वो,
ठीक है, इतना मेहनत करता है क्यों? क्योंकि उसको पता है वो साइट पर उसकी जॉब पे लगभग सैलरी उसकी 25 से 30 हज़ार रुपये है। ठीक है, शायद वो इस वीडियो को भी देखेगा तो कमेंट करेगा, 25 से 30 हज़ार सैलरी है। चाहे तो सोचे कि यार अभी तो रिलैक्स हो सकता है ना, अभी तो जस्ट फ्रेशर ही, एक साल ही हुआ है उसको जॉब करते हुए, लेकिन वो जानता है कि फ्यूचर देखना है तो हमें थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। तो सीरियस हो जाओ, अब ये बहाना मत मारो कि ओपनिंग्स नहीं है। क्यों झूठ बोलते हो, डेली ओपनिंग्स डाल रहा हूँ, ओपनिंग्स कैसे नहीं है? ठीक है, ये बहाना मत बनाओ कि सर कॉलेज में पढ़ा नहीं है। क्या बात करते यार, मतलब फोकस नहीं कर पा रहे हो, ब्लेम दूसरे को कर रहे हो। 280 घंटे का पूरा कंटेंट डाल दिया है, एक तरफ से पढ़ो ना। ठीक है, ये भी क्लियर है। अब आप बोलोगे सर क्या बोलते हैं, अप्लाई करता हूँ शॉर्टलिस्ट नहीं होती, तो रिज्यूम मुझे भेजो, मैं आपको बताऊंगा रिज्यूम आपका सही है कि नहीं, क्या चेंजिंग करना चाहिए। अब इसके आधा गाइड क्या हो सकता है? तो जॉब्स गाइड का यही एम है, यूनिक सिविल का यही एम है कि आपको सही मार्गदर्शन दिया जाए, जितना भी हो सके मैं अपने तरफ से करने की कोशिश करता हूँ। अब आप इस वीडियो को कितना लोगों तक शेयर करते हो, इससे मुझे पता चलेगा कि मेरे एफर्ट की आप कितनी वैल्यू करते हो। ठीक है, तो डेफिनेटली एक्सपेक्ट यही करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करूँ, और साथ ही साथ उनको बोलो कि भाई अगर आप परेशान हो तो कोशिश करो कि यूनिक सिविल से जुड़ जाओ या फिर जॉब्स गाइड से जुड़ जाओ, जिससे कि आपको ओपनिंग्स की कमी नहीं रहेगी, पढ़ना क्या है उसकी कमी नहीं रहेगी, अब बस मेहनत करने की जरूरत है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक दिस, होप मैंने आपको सही गाइडेंस दिया होगा, सही आइडिया दिया होगा। ये जितने भी मैंने स्टडी मटेरियल दिखाए हैं सब के सब आपको अपने टेलीग्राम वाले चैनल पर आ जाएंगे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके आप वहाँ से ले लीजिए। सोचिए कि यार इसमें से मुझे क्या क्या आता है, अच्छा क्या क्या अगर मैं सर्च करके पढ़ लूँ तो मेरा काम हो जाएगा। आप यूट्यूब से सर्च करके पढ़िए, कहीं से भी पढ़िए, बस तैयार हो जाइए। ठीक है, देखो कई लोग बोलते हैं कि सर सिविल के अंदर पैकेज नहीं है, बकवास नहीं है यार। ठीक है, अभी इसमें बहुत ढेर सारी ओपनिंग्स ऐसी हैं, आपको मैं आज का वीडियो देखना जॉब्स गाइड का, 7 बजे आएगा, उस वीडियो में मैंने दिखाया हुआ है 16 लाख के पैकेज बीआईएम के अंदर है। कितने के? 16 लाख के पैकेज बीआईएम के अंदर यहाँ पे है, आप खुद आज के वीडियो में देख लेना कि हाँ यार ये तो सच है। ठीक है, तो कोशिश ये करो कि अपने डोमेन का एक्सपर्ट बनो, न कि बहाना करो कि यार इसमें ये नहीं है वो नहीं है। ऐसे तो बुराई करने को मैं भी बहुत कुछ कर सकता हूँ हर इंडस्ट्री के बारे में, बट किसी को बुरा नहीं बनना, पहले खुद को एक्सपर्ट बनाना है, यही आप फोकस करो तो ज़्यादा बेहतर हो। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक दिस। मैं ये कहना चाहूँगा जितने लोगों ने जॉब्स गाइड को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लेना, क्योंकि इतना बेहतरीन काम शायद अभी कोई नहीं कर रहा होगा। ठीक है, या फिर हो सकता है कर रहे हो, पर शायद मैं काफ़ी बेहतरीन जेन्युइन जॉब्स आपके पास लेके आ रहा हूँ, अभी सब के सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक दिस। जय हिंद, जय भारत।